आया हूं आपको लेकर राजधानी दिल्ली। हमारे पीछे का नज़ारा देखकर आप जान गए होंगे कि मैं कहां पर हूं। सरकार की तरफ से ये गेट बनाया गया था। इसकी नींव हुए थे 1914 से 1919 के बीच। उनके नाम दीवारों पर चारों तरफ लिखे गए हैं। इतने सारे नाम हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान। तो आज मैं आया हूं आपको लेकर राजधानी दिल्ली। हमारे पीछे का नज़ारा देखकर आप जान गए होंगे कि मैं कहां पर हूं। हर कोई इंडियन ये जानता है ये जगह कौन सी है। सबर करो, बोला धक्का। हमारे पीछे का नज़ारा आप देखकर समझ चुके होंगे कि हम लोग इंडिया गेट पर हैं। भारत में दो ही गेट हैं, एक इंडिया गेट है, एक गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है। लेकिन उन दोनों में से फेमस इंडिया गेट है। इंडिया गेट इसलिए फेमस है, राजधानी दिल्ली में है। उसके अलावा यहाँ से आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। इस जो ये जो पथ है, रास्ता है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसका नाम पहले राजपथ हुआ करता था, लेकिन अभी मोदी जी ने इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया और सामने राष्ट्रपति भवन दिखता है। यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ राजपथ है, यानी कर्तव्य पथ है। गणतंत्र दिवस पर की विशाल परेड यहीं पर होती है। उसके अलावा राजनीतिक और पॉलिटिकल और देश के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो दोस्तों, इंडिया गेट पहुंचने के लिए आप सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन से उतरकर ऑटो ले सकते हैं। ऑटो शेयरिंग भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है। लगभग 2.3 किलोमीटर दूर है, तो शेयरिंग ऑटो 20 से 30 रुपये आपका ले लेगा। तो आप लोग पहुंच जाइए, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। इसके अलावा यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों में शाम के समय है। गर्मियों में दिन में ना आए, नहीं धूप से जल जाएंगे। उसके अलावा सर्दियों और बरसात में तो आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ के आसपास हरे भरे गार्डन भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। उस लिहाज से बरसात में भी काफ़ी हरा भरा माहौल यहाँ पर रहता है, काफ़ी हरियाली रहती है। इसका नाम अमर जवान ज्योति, उसके अलावा ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी है। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इसलिए है, जब 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत के 80,000 के करीब सैनिक वहाँ पर गए थे, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ने गए थे। उसके अलावा तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में भी जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, यानी शहीद हुए थे, उनकी याद में ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये गेट बनाया गया था। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 में रखी थी, जबकि उसके 10 साल बाद 1931 को ये बनकर तैयार हुआ था। तो ये गेट काफ़ी खूबसूरत है, आगे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ डेली काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ इसकी बढ़ती जाएगी। तो साथियों, इंडिया गेट आने के लिए नीचे आपको टनल से होकर आना पड़ेगा, क्योंकि बीच में रोड है तो ये बंद रहता है। तो इंडिया गेट पहुंचते ही काफ़ी ज़्यादा गर्व का अनुभव होता है। ये इंडिया देखकर अंदर से ही जोश जाग उठता है। और टिकटॉकर्स, रील्स बनाने वाले, खैर अब तो टिकटॉक बंद हो चुका है, नहीं टिकटॉक से कितने लोग यहाँ पर फेमस हुए थे। रील्स बनाने वाले, वीडियोज़ बनाने वाले तो यहाँ शाम में इतने ज़्यादा रहते हैं कि पूछिए मत। उसके अलावा इंडिया गेट काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार इमारत है, आप खुद ही देख सकते हैं सामने की तरफ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं इसके इंडिया गेट के आसपास हूँ। यहाँ पर जितने भी शहीदों के जो शहीद हो गए थे उस दौरान, तो उनके नाम यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो 80,000 के करीब सैनिक थे। सबसे बड़ी बात है यहाँ चारों तरफ नाम लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग शहीद हुए थे 1914 से 1919 के बीच, उनके नाम दीवारों पर चारों तरफ लिखे गए हैं। इतने सारे नाम हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। दीवार के हर एक ईंट पे उनका नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा अंदर वॉर मेमोरियल में जो भी देश के जवान शहीद हुए उनका भी नाम लिखा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे, वो भी वीडियो देखिएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल में बहुत कुछ है आपको देखने के लिए। तो इंडिया गेट के ऊपर सारे शहीदों के नाम लिखे हुए देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। इंडिया गेट अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ की है, यहाँ पर चारों तरफ से, उस साइड से, इस साइड से, दोनों तरफ से फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छे स्थल है। उसके अलावा यहाँ पर चारों तरफ अंदर बाहर सबके सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। आगे वॉर मेमोरियल है, मैं भी आपको लेकर चलता हूँ, व्यू है। उसके अलावा शाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो सरकारी हिसाब से भी अच्छा है और टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से तो काफ़ी ऑसम प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा पसंद। और हमारे पीछे की भीड़ आप देख सकते होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
तो दोस्तों इंडिया गेट को पार करते ही यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वो नारा दिया था उन्होंने, तो उनकी बहुत बड़ी सी मूर्ति सामने लगी है। उसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं, अभी जल्दी में सेल्फी पॉइंट खुला है। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान और हम आपको लेकर आए हैं इंडिया गेट के नेशनल वॉर म्यूज़ियम में, उसके अंदर अभी एंट्री करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, नेशनल वॉर म्यूज़ियम में कैसे जाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया गेट के पीछे आपको यहाँ पर नेशनल वॉर म्यूज़ियम दिख जाएगा जिसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, यह चीज़ काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से पीछे की तरफ जो व्यू है देखिए कितना बेहतरीन हरियाली भरा व्यू आ रहा है, साथ ही साथ इंडिया गेट सामने से दिख रहा है, उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी दिख रही है। तो नेशनल वॉर म्यूज़ियम के अंदर जाने का अपना अलग ही लेवल है, अभी मैं चल के अंदर की तरफ आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एंट्री इसकी फ्री है। तो दोस्तों रात के समय इंडिया गेट काफ़ी ज़्यादा गुलजार रहता है, यहाँ पर पब्लिक रहता है, दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी रहती है। अगर आपको आना है तो एकदम इन द मॉर्निंग आइए या तो फिर रात में, शाम में आइए, रात में आइए। रात में नज़ारा आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ में वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है। इंडियंस के अलावा फॉरेनर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसका अलग ही क्रेज है। दो ही गेट है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।